नाउ वी विल स्टार्ट विद द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया प्रोग्राम. इन दिस दोज एरियाज वर आइडेंटिफाइड विच वर इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड बिकॉज ऑफ द स्केसिटी ऑफ वाटर. दिस वर ड्रॉट प्रोन एरियाज. ये जो प्लान था आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ड्रॉट प्रोन एरियाज पीपल एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स. इस प्रोग्राम में जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क पे ध्यान दिया गया कि इन एरियाज़ में जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कराई जाए जहाँ पे लोगों को लेबर का काम मिले. बट लेटर ऑन इसमें इरीगेशन को भी शामिल किया गया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वहाँ की जो लैंड है अगर उपजाऊ नहीं है, बंजर है, तो उसे दोबारा से उसको रिक्लेम किया जाए. देन एफॉरेस्टेशन पर बढ़ावा दिया गया, ग्रासलैंड्स पे जो है डेवलपमेंट पर बढ़ावा दिया गया. देन वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट्स एंड क्रेडिट सर्विसेज को डेवलपमेंट करने के लिए भी एम्फेसाइज किया गया. देन नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ ने यहाँ के जो प्रोग्राम्स लागू किए गए उसका रिव्यू भी किया. ये ऑब्जर्व किया गया है कि दैट डेवलपमेंट जो है मेनली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो जुड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया गया है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी टू यूटिलाइज द मार्जिनल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड देयर बाय कॉजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, देर इज़ अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव. मतलब यहाँ पर इन एरियाज़ में एक तो वैसे सूखा है, ऊपर से लोग जितना हो सकता है वो मतलब एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, अदर वर्क जो है यहाँ पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, जिससे क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो और डिग्रेड हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ जो है खास असर नहीं पड़ा है. तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भी यही जोर दिया गया कि यहाँ की जो लोकल कंडीशंस हैं, जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए काम किया जाए. यहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है ताकि यहाँ पे जो यहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड ह्यूमन उसको मेंटेन किया जा सके. तो ये जो था आपका देन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने 67 जो है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज थे. इरिगेशन कमीशन 1972 में बनाया गया जिसने ये क्राइटेरिया यूज़ किया कि जो 30% जहाँ भी इरिगेटेड एरिया है उनको हम ड्रॉट प्रोन एरियाज घोषित करेंगे. मतलब कि कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे खेती में 30% इरिगेशन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिंचाई के स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो एरिया सूखाग्रस्त हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है. अब ऐसे कौन कौन से एरिया हैं, राजस्थान के डेजर्ट एरियाज हैं, गुजरात का जो सूखाग्रस्त एरिया है, वेस्ट मध्य प्रदेश का है, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना ऑफ आंध्रा, कर्नाटका, प्लेट्यू एंड हाईलैंड्स, ये सारे ही आपके ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं और इनको टारगेट एरिया में इंट्रोड्यूस टारगेट एरिया प्लानिंग में इंट्रोड्यूस किया गया.